अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां है शेफ फैसल तारी सोपे अफ्तार विद फैसल मज़ेदार प्रोग्राम अफ्तारी के हिसाब से सहरी के हिसाब से तमाम सुठा खाधा तांजे ला खणी ईंदा आहियूं। तांजी फरमाइशूं भी पूरी कंदा आहियूं, जेकर तव्हां चवंदा आहियो उहो बि ठही वेंदो आहे विद इन वीक, हिकु हफ़्ते में ठाहे छॾंदा आहियूं। ऐं जेका रेसिपी अॼु ठहे पई तमामु मज़ेदार, हिकु ठाहियूं पिया चिकन जा पराठा। हैदराबाद खाधे जी फरमाइश बि हुई ऐं सहरी लाइ बि तमामु बहितरीन रेसिपी आहे ऐं अफ़्तार लाइ बि तमामु बहितरीन रेसिपी आहे। चिकन जा पराठा हिकु त असां ठाहींदा आहियूं पराठे जे मथां पराठो रखी अंदरि फिलिंग कंदा आहियूं, लेकिन हे लेयर वारा ठहींदा, परत वारा पराठा डिफरेंट क़िस्म जे तरीक़नि सां ई ठहंदो, तमामु बहितरीन पराठो। हिन सां गॾु ठाहींदासीं आलू भरा मिर्च, कीमे भरा मिर्च तव्हांखे ठाहिण सेखारिया हुआ, मसाले भरा मिर्च तव्हांखे ठाहिण सेखारिया, हाणे ठाहियूं पिया आलू भरा मिर्च। ठीकु आहे, आलू जे मसाले सां गॾु भरियल मिर्च जेको बेसण में डिप करे असां फ्राई कंदासीं। ॿई रेसिपी सुभाणे 12 वॻे रिपीट हलंदियूं। स्क्रीन ते नंबर लिखो, कभी फरमाइश करण जो कुझु बि पुछो हुजे पुछी सघो था। अॼु की जो हम रेसिपी बना रहे अफ़्तार विद फैसल में बहुत सारी वैरायटी आपको बनाना सिखाई, बहुत सारी आप लोगों की फरमाइशें पूरी करता आ रहा हूँ, और अफ़्तार की रेसिपी सहरी की रेसिपी, तो आज भी मज़ेदार एक रेसिपी बन रही है जो बना रहे पराठा, चिकन पराठा, लेकिन ये परत वाला फिलिंग वाला पराठा बना रहा हूँ। उसके साथ हम सेकंड रेसिपी बना रहे हैं आलू भरे मिर्च। एक बनाए थे हमने मिर्ची रोल जिसमें हमने चिकन का कीमा भरा था, एक हमने स्पाइसी मिर्ची मसाला भरी हुई बनाई थी जब पकोड़ा प्लेटर बनाया था। तो आज जो मिर्चें बन रही हैं आलू भरी यानी चटपटा आलू का मसाला इसके अंदर फिल करेंगे और उसको बेसन में डिप करके फ्राई करेंगे। दोनों रेसिपीज़ कल 12 बजे रिपीट चलेंगी, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है। कोई भी फरमाइश करनी हो, कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हैं। किचन की तरफ चलते हैं और रेसिपी करते हैं स्टार्ट। अजो की जगह रेसिपी ठहे पई, ये असं ठाई पा शारजा कुकिंग ऑयल से गुड। शारजा कुकिंग ऑयल बेहतरीन कुकिंग ऑयल है, विटामिन ए डी आई ई का भरपूर है, लो कोलेस्ट्रॉल ऑयल है, ओमेगा 3 मौजूद है, बनस्पति घी तमाम बेहतरीन पैकिंग्स में दस्तियाब है। बनस्पति घी खासकर जब असं पराठा ठाईंदा या मिठा ठाईंदा तो बनस्पति घी जो इंतखाब कर 1 लीटर में, 5 लीटर में, 3 लीटर में बोतलू मिलन पे। पैकेट अगर थैलियों वो जो 5 पैकेट वो दबो वो जो लीटर लीटर वा उनमें पैक हों तो उन गड एक लंच बॉक्स फ्री है। बनस्पति घी जब 1 किलो वारा 5 पैकेट जो पैकेट वो बॉक्स वो तो उनसा गड एक लंच बॉक्स फ्री है। ठीक है, तमाम बेहतरीन रमज़ान के हिसाब से रेसिपीज जो असं ठाकुर था शारजा कुकिंग ऑयल में। 7 अप पेप्सी बेहतरीन ड्रिंक आन हाजमेल हैवी खाई था वूँ अफ्तारी का पो ये ड्रिंक पी सोता तमाम बेहतरीन तक अफाको थो हाजमो बहाल कही है बेहतरीन ड्रिंक है। उन करशी जामे श्री, करशी जामे श्री कुदरती अज्जा कुदरती अर्कियात से तैयार थियल तमाम बेहतरीन शरबत है जो 2 फ्लेवर में मार्केट में दस्तियाब है। एक फ्लेवर है इलायची जो साए कलर में, इलायची जो फ्लेवर है, बो फ्लेवर है गुलाब और संदल जो गाढ़े कलर में। बई तामू ठाईन ड्रिंक्स डिफरेंट तरीक़न से इनके ठाईंदा रहो, खीर में विझी पी सोता, लस्सी में विझी पी सोता, इनका शरबत डिफरेंट किस्म जहाँ ठाई सोता। मलका फूड तमाम बेहतरीन प्रोडक्ट है, मलका फूड जहाँ तमाम वसी रेंज है, तमाम सुठा मसाला मार्केट में अवेलेबल है, जैमें है चिकन कढ़ाई मसालो, बिरयानी मसालो, सिंधी बिरयानी मसालो, बम्बई बिरयानी मसालो है, चिकन कढ़ाई है, इनके अलावा कीमो है, उनके अलावा अचार गोश है, चाट मसालो है, अना मसाल की काफ़ी सारी रेंज है, तुम मार्केट में वही सोता। एनएक्स असा सा गड एनएक्स में जूसर, ब्लेंडर, चॉपर, हैंड पीटर, हैंड मिक्सर, ये सब तमूँ यूज़ कह एनएक्स तमाम बेहतरीन प्रोडक्ट है। किचन में हुजन खपन ते शजीली तीन कुकिंग थी। हाँ अचूँ तो रेसिपी से रेसिपी गड गड स्टार्ट कह वासी। ठीक है, आज की जो हम रेसिपी बना रहे हैं शारजा कुकिंग ऑयल के साथ, तो आज की हम रेसिपी क्या बना रहे हैं चिकन पराठा। चिकन पराठे के लिए हमने चिकन लेना है बोनलेस, हम 6 पराठे बनाएंगे जिसके लिए हमें 1 पाव चिकन चाहिए। ठीक है, 1 पाव चिकन बोनलेस ले लेंगे, बोटियां हैं, इसको हम मैरिनेट करेंगे एक बॉल में डाल के, बल्कि इसी में ही कर लेते हैं मैरिनेट। इसके अंदर क्या क्या जाएगा, दही 4 खाने के चम्मच भर के 1 पाव चिकन में। ठीक है, दही 4 खाने के चम्मच भर के डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 1 खाने का चम्मच, 1 खाने जो चम्मचो अदरक थूम जो पेस्ट विधो, आई 4 खाने जा चमचा दही विझी छी। ठीक है, ये विझण का पो इनके अंदर असा मसाला छा विझंदासी, मसाला तमाम ईजी आन वो मसाला जो घर में असा अवेलेबल हों, सभी का पहले असम विझंदासी लीमे जो रस 2 खाने जा चमचो, 2 टेबल स्पून लेमन का जूस। ठीक है, 4 खाने के चम्मच दही, दही के साथ बनेगी बहुत ही ज़बरदस्त चिकन। ठीक है, और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, लीमे जो रस 2 खाने जा चमचा, अदरक थूम जो पेस्ट विधो 1 खाने जो चमचो, दही विधी 4 खाने जा चमचा। हाँ इनमें मसाला छा छा वा, कुटियल गाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चमचो, हेड 1/2 चाय जो चमचो, लूण 1/2 चाय जो चमचो,
पीठल गाढ़ा मिर्च एक चाय जो चमचो, गरम मसालो पाउडर अध चाय जो चमचो, चाट मसालो एक चाय जो चमचो, अछो जीरो भुनियल कुटियल एक चाय जो चमचो। वरी बुधाई तो छा, कुटियल गाढ़ा मिर्च एक चाय जो चमचो, हेड अध चाय जो चमचो, लूण अध चाय जो चमचो, पीठल गाढ़ा मिर्च एक चाय जो चमचो, चाट मसालो एक चाय जो चमचो, गरम मसालो पाउडर अध चाय जो चमचो, अछो जीरो भुनियल कुटियल है तए के मथा सेके कुटे वो एक चाय जो चमचो। ठीक है, कुटी लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, चाट मसाला एक चाय का चम्मच, सफ़ेद जीरा भुना कुटा हुआ एक चाय का चम्मच। दोबारा रिपीट करा रहा हूँ, कुटी लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, चाट मसाला एक चाय का चम्मच, सफ़ेद जीरा भुना कुटा हुआ एक चाय का चम्मच। ये सारा मसाला चला गया और इसको मिक्स करके मैरिनेट करेंगे। कॉल भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कॉर्नर कहाँ से बात कर रहे हैं? टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें प्लीज, आपकी लाइन ड्रॉप हो जाएगी। टीवी का वॉल्यूम बंद। हेलो, ड्रॉप थी। ओके, दिसो टीवी जो वॉल्यूम बंद ना करना हो तो लाइन कटी वेंदी है। ठीक है, टीवी का वॉल्यूम बंद करके कॉल क्या करें वरना आपकी लाइन ड्रॉप हो जाएगी। इसको मैरिनेट किया, मैरिनेट करके आपने आधा घंटा रखना है, लेकिन हम इसे डायरेक्ट फ्राई करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इनके अध कलाक रख दो, लेकिन टाइम जो बचत जो करें मां इनके डायरेक्ट विझा पे फ्राइंग पैन या कढ़ाई में। ठीक है, इतने खड़ासी शारजा कुकिंग ऑयल, टे खाण जो चमचा शारजा कुकिंग ऑयल, 3 टेबल स्पून पानी ड्राई करके फिर इसमें ऑयल डालते हैं। ठीक है, हाँ सर में विझासी 3 खाने जो चमचा शारजा कुकिंग ऑयल, 3 टेबल स्पून शारजा कुकिंग ऑयल। इसके बाद हम डालेंगे इसमें चिकन मैरिनेटेड, 1 पाव चिकन, 4 खाने के चम्मच दही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। केरे की थंग लाओ पिया? कराची मां। कुछ चैन जी जी कुछ चैन चाहिए दो जी। असा पुछन चाहिए दयो त ता देखो कचौरी जो बुधायो असन जे छा बुधाया कचौरी ता ठाई हूं जेके चिकन वाली कचौरी कचौरी जेके ठाई हुई। हां हां, तो वंदा दिला है चिकन कचौरी जो ना ता रेसिपी जा असल लिखो क्या ता लाइट बनती वही ता असा जे बुधायो सो ता तो मैं मेदो की ता आंदो तो मेदो किए गयो वो बुधाया जी। ठीक है, ओ मैं बुधाई तो छना आई हिकड़ी भी गाल है के जदे लाइट हली थी वने ना तब ये नी 12 बजे रिपीट भी हलंदो है। ठीक है जी, तो उनमें भी ता दिसी सको ता बाकी मैदे जी मा ताके बुधाई तो चा ता टीवी वट वनो। ठीक है जी जी, सही है, मेहरबानी। ओके जी, लाओ। ठीक है, चिकन इसमें डाली, 3 खाने के चम्मच शारजा कुकिंग ऑयल डाला, चिकन मैरिनेटेड डाली और इसको कवर कर देंगे 4-5 मिनट के लिए। चिकन गल जाएगी फिर हम इसे निकाल लेंगे। ठीक है, चिकन विधि, 3 खाने के चम्मच शारजा कुकिंग ऑयल विझी गरम कयो, उनमें चिकन मैरिनेट थियल विधि 3-4 मिनट इनके कवर कंदासी, वरी भुजे कटी वठंदासी, बॉनलेस है बगैर हड्डी जे जल्दी तैयार थी। ठीक है, ये तैयार हो जाएगी। ता हाने कॉल कई मैदो ता कचोरी ला खणंदा हो 1 पा। ठीक है, 1 पा मैदो खणंदो, उनमें विझंदो 2 खाण जा चमचा कुकिंग ऑयल। ठीक है, उन सा थोड़ो सो लूण अध चाय जे चमचे का घट विझी चंगी तरह मिक्स कंदो, उनका पो थोड़ो थोड़ो पानी विझी उन जो अटो गोइंदो, अटो नरम गोई रखी चंदो, पोन का पो जेको प्रोसेस मो कयो उन तरीके सा ता ठाइंदो। 1 पा चिकन है बोनलेस बगैर हड्डी जे, बूटियों करे वट जो 4 खाण जा चमचा दही, 2 खाण जा चमचा लीमे जो रस, 1 खाण जा चमचा अदरक तुम जो पेस्ट, ये सब शयों मिक्स करने का पो पीठल गाढ़ा मिर्च कुटियल गाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चमचो, लूण अध चाय जो चमचो, चाट मसालो 1 चाय जो चमचो, अछो जीरो कुटियल भुनियल कुटियल 1 चाय जो चमचो, हेड अध चाय जो चमचो, गरम मसालो पाउडर अध चाय जो चमचो विझी मिक्स करे 15 मिनट अध कलाक रखो, उन ऑयल 3 खाने जा चमचा गरम करे पो ता इनके फ्राई कंदो। ठीक है, ये फ्राई थी वेंदी, इनके खुश कंदा से खुश करण का पो इनके कटी असा इनके ग्राइंड करे रखंदा से अच्छी तरह मिक्स करें। 5-6 मिनट में हो जाएगी बोनलेस है, जल्दी हो जाती है। ठीक है, फिर कवर करते हैं, रिपीट करा रहा हूँ ताकि फिर बाद में रिपीट नहीं करा सकूँगा। 1 पाव चिकन लिया बोनलेस, उसमें 4 खाने के चम्मच दही, 2 खाने के चम्मच लेमन का जूस, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट मिलाया, फिर पिसी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला आधा चाय का चम्मच, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच और सफ़ेद जीरा भुना हुआ और कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच डाला, मैरिनेट किया आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट रख के
फिर इसके बाद आपने 3 खाने के चम्मच ऑयल गरम किया, चिकन डाला, उसको 2 मिनट घुमाने के बाद आपने कवर कर दिया 4-5 मिनट तक, ताकि चिकन स्टीम पे टेंडर हो जाए, चिकन गल जाएगी। तो फिर इसको हटा देंगे, 7 से 8 मिनट में बोनलेस चिकन तैयार हो जाती है। अब इसको ड्राई करेंगे, ठीक है। दही का पानी हमने इसको ड्राई करना है, दही जो पानी है जो यो कुछ कंदासी हिन का पोछा कंदासी चॉपर खड़ंदासी, ठीक है। चॉपर में हमने क्या करना है, हरी मिर्च और हरा धनिया चॉप करना है, चॉपर खड़ंदासी। एंड नेक्स्ट जो चॉपर आए तक जो चाहिए ये वो शूँ तमाम ईजी घर में कुकिंग कर सको, तो इनका तमाम फ़ायदो थे। हमें थोड़ा पानी है तो ये कभी था, ठीक है। चॉपर में हरी मिर्चें मोटी वाली डालेंगे 3 अदद, अगर बारीक वाली है तेज़ है तो 1 डालिएगा। मोटी वारी में तो मैं टे विधी हुई, अगर फिक्की मिर्च आए तो एक विझो। सावा धाना 3 का 4 खाने का चम्मच, हरा धनिया 3 से 4 खाने के चम्मच डाल के इसको हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे, ताकि हरी मिर्चें चॉप हो जाए। अगर ये ना है तो पता उखरी मोरे में भी कर सको था, ठीक है। अगर मशीन नहीं है तो इमाम दस्ते में भी कूट सकते हैं इनको, हरा धनिया और हरी मिर्चों को। और चिकन का फिर आप हाथ से रेशा बना लें, लेकिन हम इसमें चॉपर में इसको डालेंगे। पानी खुश्क बने दही जो, उनका पर चूल्हो बंद करें। अही थदी चिकन असा विझी छंदी इन जो अंदर तुम थदी कर विझो, मां हाँ विझा पे छा लेंथी है थोड़ा प्रोसेस पराठन जो, तो इन कर जैसे दही का पानी खुश्क हो गया चूल्हा बंद किया और ये चिकन हमने पूरा इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, सॉरी, इसको एक दफा चला देंगे। एक दफ़ा चलाने के बाद इसका मिक्सचर चेक करें, कहीं बोटी साबित ना रह जाए, ठीक है। रेशा सा बन गया बिल्कुल ज़बरदस्त था, ये देखें इस तरह का रेशा बनना चाहिए, ठीक है। इन तरीके जो रेशो ठही वो इनके एक दफ़ा हलाई छो मां बस फौरन थी वो मशीन का कितनी जल्दी कम थी तो वे जितो उनमें हथ से करण में टाइम लगे तो, ठीक है। अभी इस मिक्सचर को निकाल के ठंडा करेंगे और फिर पराठों में फिल करेंगे, ठीक है। मिक्सचर थी वो इनके कड्डू था एक प्लेट में, इनके थदो क्यों था जिस तीन थदो थिए तो इन मिक्सचर के अस भरंदी पराठन के विच में। चिकन पराठा ही हैदराबाद का फरमाइश हुई भी मुखणा हुआ तो मैं हाँ खाई दिना तक नोट कर वो, ठीक है। हि सहरी में भी खाई सोता इनकी अफ्तारी में भी खाई सोता, दही से भी खाई सोता आई चाय से गर भी। इसको फैला देते हैं ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए, जब तक ये ठंडा होगा हम जो रोटी का है प्रोसेस वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बिल्कुल आसान है चिकन पराठा ठाण, इसको रखते हैं साइड में। अब हम लेंगे आटा, काउंटर क्लियर करके मैदा लेना है अपने कितना, 2 कप, ठीक है। 2 कप से 2.5 कप जितना आपने मैदा लेना है, 2 खां 2.5 कप मैदो खणंदो, ठीक है। मैदे में विझंदो 2 खाने का चम्मच बनस्पति घी या कुकिंग ऑयल, आई थोड़ो सो लून, ठीक है। मैदा लिया, इसमें 2 खाने के चम्मच बनस्पति घी या कुकिंग ऑयल आपने ले लिया। ये है हमारे पास मैदा, आटा गूंदा हुआ मैदे से खुश्का रखेंगे, साथ फैला दें, ठीक है। इसकी हमने एक रोटी बेलनी है, पूरा एक साथ ही लेना है, ठीक है। एक पाव, ये नहीं करना कि इसके पेड़े बनाने पहले कि इसके पीसेस बनाने, ऐसा कुछ नहीं करना है। एक साथ लेके एक बड़ी सी रोटी बेलेंगे इसकी और साथ साथ खुश्का लगाते रहें, ठीक है। बड़ी मानी, मानी जो शेप चेक होंदो वो चौकोर रख जो, रोटी का जो शेप होगा वो अपने स्क्वायर में रखना है, जितनी बड़ी कर सकते हैं लेकिन पतली बहुत ज़्यादा ना हो कि टूटना शुरू हो जाए, ठीक है। इसी में से हमने रोटियां बनानी हैं काट के पीसेस, साथ साथ खुश्का लगाते रहें क्योंकि ड्राई पाउडर वरना ये चिपकना शुरू हो जाएगा नीचे से, ठीक है। ये 1 पाव से थोड़ा कम था मैदा, 1 पाव का थोड़ा घट हो मैदो
इन तरीके से तुम इनके खोलन दो चौकोर कर वो अगर काउंटर कि ना है सुनो क्लियर तो स्टील जो थाल उबतो कर उनके मथा भी कर सको वे थाल जो जी कॉल वूँ अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम क्या हाल ऑफिस से आयो अल्लाह जो शुक्र केर है किथा गलायो पया मानसरीन पे गलाया कराची काम के फरमाश करेंगे जी यदि कयो तेरा ता जो प्रोग्राम दाडो सठो आ सा दाडो शौक से सा दिसना आयो मेहरबानी यदि अयो अदा मुखे दही बड़ा है ना उने रेसिपी बुधायो अदि दही बड़ा दही बड़ा मैं सेकंड रमजान ते ठाया वा तहां शायद मिस करे छड्या है नहीं होने का पहुंच के दफा भरी हां दस साल से टीवी चैनल हले ना पियो वरी अज वे तो हले अच्छा मैं कोई मां ता हाने त मन नथो ठाई सका आई बुधाइंदम त ताके समझ अलै अचे ना अचे त ता मुजे पेज ते दिसी वठो रेसिपी अपलोड थे अलै हां दा वो बस यही बुधाए जे समझी नी दा वो पेज यूज में कदाई हेलो ठीक है थोड़ी देर में हाने अगर ब्रेक जो टाइम पर रिपीट कराया तो ठीक है चलो सही है ओके अल्लाह थैंक यू अल्लाह हाफिज़ नीचे आपने अच्छी तरह खुशका लगाना है इस तरह रोटी देखें मैं उठा रहा हूँ तो इससे क्या होगा कि ये टूटेगी नहीं इन तरीके से मानी चारों तरफा खड़ी दिसो ही टूटे ना ठीक है चिपके नहीं इतना आपने खुशका लगा देना है ब्रेक पे जा रहे हैं एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद आपकी रेसिपी कंटिन्यू करते हैं वेलकम बैक नाज़रीन ब्रेक तो उनका पहले तहे सामू जो रेसिपी टेपे शारजा कुकिंग ऑयल से गुड विटामिन ए डी ई का भरपूर लो कोलेस्ट्रॉल ओमेगा थ्री मौजूदा बनस्पति घी तमाम बेहतरीन सेवन अप असा गुड है सेवन अप तमाम बेहतरीन ड्रिंक है जो तैयार थे एक है गुलाब संदल की खुशबू में सेकेंड है इलायची फ्लेवर में बई रेसिपीज बिन्हीं में ड्रिंक्स तुम ठाई सो डिफरेंट तरीकन से उनके अलावा एनएक्स असा सा गुड है मलका फूड है अच्छा इतने असा कहसी पराठे के फैलाई छोड़ो ठीक है पराठा फैला दिया और साथ साथ आपने खुश्क आटा इस तरह नीचे लगा के रखना है ताकि ये चिपके ना इस तरह स्क्वायर शेप में आपने खोल देना है इस तरह स्क्वायर शेप में आपने खोल दिया उसके बाद हमने क्या करना है इसके ऊपर लगाना है घी या कुकिंग ऑयल हाँ घी या कुकिंग ऑयल हाथ से लगाया हो या ब्रश से लगाया माए तो ब्रश से लगाया पे कॉल बैठू था अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम बेटा खुश है हो अल्लाह जो शुक्र है ता बुधायो ता जी जी फरमाइश पूरी थे पई हां तनी तनी बेटा भाई मैं टीवी दिखी था स्टीम जो रोस्ट है ना तिक्का तुम चाहिए पतीले वाला वो भी बटे में ठाना बाकी सीख कबाब इंशाल्लाह 15 रमजान का ठीक है मुझे पुट ठीक है वो धीरे जी की फरमाइश इस्लामाबाद में रहती है ना तो मैं बाहर नंगड़ा उन्हें मुझे चो मम्मी बाहर चाहिए सर जो हाँ उन्हें कॉल अच्छी चुकी है मोड बटे दफा हाँ 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 ठीक है था मनो टीवी पर खुश आया हो ना अल्लाह खुश रखे जज़ाक अल्लाह ठीक है हाथ सा या ब्रश सा ऑयल लगाई छो हाँ खुश्क में तो हिं करे मथा छंडन दो अब ड्राई पाउडर डस्ट करेंगे इसके ऊपर पहले आपने ऑयल या घी लगाया हाथ से या ब्रश से इसके बाद ड्राई पाउडर लगा दिया ठीक है अब हम क्या करेंगे चिकन का जो मसाला बना के रखा है ये पूरा इसके ऊपर स्प्रेड कर दें ठीक है चिकन जो मसालो ये थोड़ा गर्म आया है ना अभी लेकिन माँ हाथ से इनके लगाएँ पर ठीक है इस तरह आपने इसको हिला देना है थोड़ा गर्म है मेरे पास आप ठंडा करेंगी तो ये खुलना शुरू हो जाएगा ठीक है ये ऊपर से इस तरह हिला दें हल्का हल्का ताकि इसके लेयर्स बन जाएं दही के साथ इसलिए बनाया है ताकि इसकी तासीर ठंडी हो सहरी में अगर आप खाते हैं तो सारा दिन फिर अच्छा गुजरता है दही का इस्तेमाल चीज़ों में ज़्यादा होना चाहिए ठीक है दही जो इस्तेमाल वधी कुजन खपे उनका अच्छा थी कि तास कौन थी इन कर इनमें भी माँ दही विधी है ताकि इनके स्पाइसिस उनकी जो तेज़ी है वो ख़त्म थी वन ताकि तुम सहरी में भी इनके खाई सको ठीक है ये हो गया एक लेयर अब हम क्या करेंगे इसको सेट किया यहाँ से हाथ मेरे ड्राई करके हाथ खुश्क जो ठीक है हाथ आला ना हो जान ये वाला हिस्सा उठाया आराम से इस तरह रख दिया ठीक है ये उठा के इस तरह रख दिया ये दूसरा उठा के इस तरह रख दिया बहुत एहतियात से ठीक है उसके बाद
खुश्क आटा लगाया, यहाँ से उठा के नीचे खुश्क आटा लगाया, कॉल भी उठूँ था। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी मैं जहूर अवान बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया से। जी जी कैसे हैं आप? ऑस्ट्रेलिया से? जी अल्लाह। जी जी सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। जी जी कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है ठीक है। आप कैसे हैं? आपकी टीम सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल, दुआएं दुआएं आपकी। जी जी माशाल्लाह आपका प्रोग्राम अच्छा होता है, अपने जो भी बताते हैं हम लोग उसको फॉलो करते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। अभी क्या टाइम हो रहा है वहाँ पे? अभी यहाँ पे जो है 8:30 बजे है रात की, हमारी तो इफ्तारी होती है 5:25 से ना। ओके ओके। 6 घंटे हम लोग आगे। अच्छा अच्छा ठीक ठीक। कोई फरमाइश करना चाहेंगे? कुछ पूछना चाहेंगे? मैंने पता करना था, ट्राई करनी थी दम बिरयानी ना, उसमें क्या क्या रेसिपी होती है, मतलब घर के मसाले अगर यूज करें तो कैसे बनेगी दम बिरयानी ना, स्पाइसी जो दम बिरयानी होती है तह वाली। जी जी ठीक है। 15 रमजान को इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा, ठीक है, बिरयानी बनाऊंगा तो आप वो देखिएगा जरूर। 15 रमजान। जी जी ठीक है। ओके बड़ी मेहरबानी। थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा इसको आप अच्छी तरह, जहाँ पे बबल्स आ रहे हैं ना, एयर आ रही है, तो छुरी की नोक ले लें उससे या फोक से आपने इसका कट कर देना है, ठीक है। जिते तां दिसंदो बबल ठन पिया इनके वरी पलटाई दो, इसको आपने इस तरह खोलना है, हल्के हाथ से, टूटनी नहीं चाहिए, ठीक है, हल्के हाथ से ये स्क्वायर शेप में खुलेगी रोटी। इसी में से हमने 6 रोटियां बनानी, वो तरीका आपको बताऊंगा। आपको अभी समझ अजीब सा लग रहा होगा कि एक ही बनाते जा रहे हैं इतनी मोटी लेयर, लेकिन इसी में से हम 6 रोटियां बनाएंगे और बहुत तरीका ये ज़बरदस्त है, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। खुश्का लगाते जाएं, बस खुश्का लगाने का मकसद ये है कि जो नीचे चिपके ना, ठीक है। एक लेयर वो हो गई थी, अब सेकेंड लेयर एक और लगाएंगे चिकन की, उतना ही आपने इसको दोबारा खोलना है बेल के, ठीक है, इतरो ही वरी खोलन दो। ये देखें ये हो गया, फिर नीचे देखते हैं अगर हमें नीड है जैसे आटा लगाना है, ठीक है, नीचे अगर नीड है चिपक ना जाए इसलिए आपने इस तरह डस्ट करना है, इन तरीके से आटो लगाना। हाँ वरी हिकड़ी लेयर असा चिकन की विछाईंदी, ठीक है, उनका पैर असते विझासी ऑयल, हथ से भी करे सोता ब्रश से भी, ठीक है, मोट ब्रश है तो मां ब्रश से क्या पे, आप हाथ से भी कर सकते हैं इसको और ब्रश से भी कर सकते हैं, अप टू यू, जैसा आपको ईजी लगे, ठीक है। अच्छी तरह हमने इसे कर दिया, अब ड्राई मैदा डस्ट करना है, ठीक है, सजो खुश्क मैदो लगाई दो तकरीबन 2 चमचन जितना ड्राई मैदा लगा दिया, उसके बाद अगेन हमने चिकन की एक इसके ऊपर फैला देनी है, ठीक है, इसको खोल खोल के इस तरह आपने चिकन की लेयर फैला देनी, ये बिल्कुल ज़बरदस्त वो जो लच्छा पराठा होता है उस तरह का पराठा बनेगा, बहुत सारी इसके अंदर लेयर्स होंगी और जब आप बनाएंगे आप ख़ुद कहेंगे कि ये क्या डिफरेंट चीज़ है, इसलिए मैंने इस तरीके से बनाना सिखाई है। और ये पेड़े आप बना के रखते हैं सहरी से पहले, सहरी में आप वो भी तरीका बताता हूँ कि क्या करना, और इसको आप फ्रीज भी कर सकते हैं पेड़े बना के, ठीक है, जिस तरह हम कटिंग करेंगे पेड़ों की उस तरह करके फिर आप इसको फ्रीज कर दें, 1 महीने तक आप फ्रीज करके रख सकते हैं। सजो मसालों 1 पाव चिकन से इतने सारे बन जाएंगे, ठीक है, इसको आपने हाथ से सेट करना है इस तरह। अब क्या करेंगे, एक लेयर उठाई, ये दूसरी लेयर आराम से टूटे ना इसके ऊपर उठा रख दें, ठीक है, फिर खुश्का लगाएं नीचे थोड़ा थोड़ा, ये इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि चिकन के अंदर जो मसाले में पानी होता है वो निकलेगा, हल्का सा इसको खोलें, ठीक है, हल्को सो खोलन दो, एक लेयर हियाँ कई एक हियाँ कई हेठा का खुश्को इन करे लगाओ ताकि चिंबड़े ना, हाँ वरी एक लेयर हितां का रखा सी इन का पहरी थोड़ा ऑयल लगाई, सेंटर में ऑयल लगाया, एक ये लेयर हो गई, ये तीसरी लेयर है, ठीक है, उसके बाद थोड़ा ऑयल और लगाया, ये हो गई, बस अब ये हमारा हो गया फाइनल, ठीक है, फिर मैदा लगाया, अब इसको बेलना शुरू करते हैं, फिर इसके हम रोल बना के इसके अंदर से पीसेस कट करके और फ्राई करते जाएंगे पराठे, ठीक है, उसको लगाए जाओ, हल्का हल्का इसको बेलें, दोनों साइड से आराम आराम से खोलते जाएं, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, खुद ब खुद ये होता जाएगा, इसको इस तरह लेंथ वाइज खोलते जाएं, ठीक है, फिर यूँ करें, अगर खुशके की ज़रूरत लग रही है तो नीचे लगाते जाएं। कॉल बैठू था, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अदा। वालेकुम अस्सलाम अदी, कह रहे हैं कितना गलाओ प्या?
भाउ हैदराबाद मां पई ॻाल्हायां वेग मुंहिंजो नालो आहे जी जी छा हाल आहिनि तव्हांजो ठीकु आहियो सभु ख़ैर आहे शुक्र आहे अलाह जो साईं ठीकु आहियो अलाह जो शुक्र आहे तव्हांजी टीम ठीकु ख़ुशि अलाह जो शुक्र आहे दुआऊं आहिनि तव्हांजूं छा पिया ठाहियो चिकन पराठो अच्छा लाइट असां वटि हिकिड़ी त कोन्हे ऐं ॿियो तव्हांखां इहो पुछिणो हो त तव्हां उन ॾींहुं आलू जा समोसा ठाहिया हा न जी त उन जी फीलिंग जो थोरो कीअं मूंखे ख़बर पवंदी पई यूट्यूब ते त तव्हांजो इहो प्रोग्राम ई कोन्हे को यूट्यूब ते आहे न प्रोग्राम लिंक मां ॾियां थो सिंध टीवी एच डी कुकिंग शो सिंध टीवी एच डी कुकिंग शो उन ते सर्च कजो या कुकिंग विथ फैसल सिंध टीवी एच डी कंदो तॾहिं बि अची वेंदो या कुकिंग विथ फैसल आलू समोसा लिखंदो तॾहिं बि अची वेंदो ठीकु आहे मां कल ठाही छॾिया आहिनि बिहारी समोसा अच्छा बोरी समोसा हलो ठीकु आहे उहो बि ठाहे ॾींदमि ॿ टे ॾींहनि में ठीकु आहे इनशाला इनशाला बिल्कुलु ओके दी थैंक यू थोरा थोरा ऑयल स्प्रेड करणो इसके ऊपर अब हम क्या करेंगे इसका रोल बनाएंगे हाणे हिन जो रोल ठाहींदासीं लेयर्स ठही वियूं आहिनि काफ़ी सारियूं हिन में ठीकु है इसमें बहुत सारी लेयर्स बन गई हैं ये देखें जो मसाला निकल रहा होगा ना कोई बात नहीं है ये निकलेगा इससे अब आपने इसको खुश्का लगाना है और इससे ही मसाले को बैलेंस करना है ठीक है ये रोल इस तरह लंबा करके बनाते जाएंगे और ड्राई आटा लगाते जाएं बस इसमें ये कि खुश्का ज़्यादा इस्तेमाल होता है लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त परत वाले पराठे बनेंगे ठीक है अब इसमें से हमने 12 पीस काट लें 8 पीस काट लें जी कॉल वठूँ था अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कैसे हो बेटा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक आप कैसी हैं मैं भी खैरियत से हूँ अल्लाह का शुक्र है जी. मैंने कहा अच्छा काम करने वाली की ये निशानी होती है जी. कि वो हर काम को कहता है इसमें कोई मुश्किल नहीं है हाँ, ये आसान है बिल्कुल हालांकि कॉम्प्लिकेटेड होता है हाँ कॉम्प्लिकेटेड तो होता है लेकिन मजा आता है इस तरह की भी कुकिंग कर ये कहने से और काम आसान हो जाते हैं बेटा जी बिल्कुल और जो नहीं करना चाहते वो बहाने ढूंढते हैं सही बात है हाँ वो इंग्लिश का एक वर्ड है लेकिन बहरहाल तो ये बात मुझे तुम्हारी बहुत अच्छी लगती है हर काम को कहते कोई मुश्किल नहीं है आसान है कचौरी में भी यही कहा था जी जी बहरहाल कचौरी बहुत अच्छी थी नो डाउट खैर मैं भी बनाती हूँ लेकिन कीमा या उसमें आलू नहीं सिर्फ मसाला डालती हूँ अच्छा। माश की दाल किसी भी और उसमें मसाला बिल्कुल यही वो है आज का मैंने अभी खोला है टीवी अभी क्या बना रहे हो अभी मैं ये बना रहा हूँ चिकन पराठा थोड़े डिफरेंट अच्छा। स्टाइल में पफ पेस्ट्री स्टाइल में बना रहा हूँ अरे वाह वेरी गुड इंशाल्लाह मैं या तो सुबह देख लूंगी या शाम में मैं तो यूट्यूब पे देख लेती हूँ जी जी बिल्कुल हाँ देख लो चलो खुश रहो बेटा थैंक यू वेरी मच अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा जज़ाकअल्लाह ठीक है अब मैंने इसके 12 पीस काटे ठीक है थोड़ा डिफिकल्ट होता है काटने में आराम आराम से इसके 12 पीस काटने ठीक है 12 पीस में से हम पराठे बनाएंगे तीन भी बना सकते हैं छः भी बना सकते हैं ठीक है जब पीसेस कटे छड़िया 12 पीस और हाँ कंदासी जो पीस काटा ना इसको यूं उठाया जो कटा हुआ हिस्सा है वो ऊपर रखा इसको प्रेस किया ठीक है प्रेस किया इस तरह इसके ऊपर दूसरा पीस उठाया उसको प्रेस किया वो रखा फिर इसके ऊपर तीसरा पीस उठाया फिर प्रेस किया ये पेटीज के जैसे पफ पेस्ट्री बनती है ना ये हो गया एक पेड़ा ठीक है ये हिकड़ो थी वो हल्का हल्का खुश्का लगा के इसको रखते हैं फिर दूसरा पेड़ा उठाया इस तरह जो कटा हुआ हिस्सा है उसको ऊपर और नीचे इस तरह रख के प्रेस करना है ताकि लेयर्स बने इस तरह नहीं कीजिएगा ठीक है लंबाई में इस ये लंबाई वाले शेप में नहीं करना है इस तरह कटा हुआ हिस्सा ऊपर रखना है और कटा हुआ हिस्सा नीचे रखना है ठीक है इन तरीके से करिए इनके दबाई दो ये टे लेयर्स थी वही हूँ इनके प्रेस कर दो बमानियों थी वही हूँ ये उठाया ऊपर से फिर दूसरा पीस उठाया ऊपर से फिर तीसरा पीस उठाया ऊपर से ऊपर की तरफ से जो कट वाला हिस्सा है वो रख के तीनों को आपने प्रेस कर देना ये हो गया फिर ये हो गया तीन से चार लेयर कर सकती हैं ठीक है जी कॉल वठूं था अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम अदा मैं बाबू से छुला बताया रहो कराची को जी साईं छा हालन ता जा अदा ऐसा के थोड़ा बुदा जो सही जगह ता पटायो दा हे चिकन पराठो टाइप है माता पूरी रेसिपी ठाया पियो ता दिसंदा बनो खेदा जो पटायो बे आईओ सा तो तफसील सा बुदा जे साईं मैं एडी तफसील बुदाई छली है के हाने ता मखे लगे तो बुदाई जी जरूरत भी ना पिंदी हाँ ये कजो सुपाने रिपीट में हल्द तुम ऐसी वो ठीक है एडी डिटेल में जितनी बुधाई छी हाँ एडो टाइम नो हो
कि माँ वापस इतनी डिटेल में बना। ठीक है, मैंने इसीलिए एक एक चीज़ इतनी डिटेल से बताई है क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि मैं बार बार उसको डिटेल में जाऊँ। आप लोग को इसीलिए कहता हूँ नोट किया करें। अब हम क्या करेंगे, बेलन रखते हैं साथ और लेते हैं, मेरे पास बड़ा फ्राइंग पैन है नॉन स्टिक, मैं इसी में बना रहा हूँ, और अगर आप चाहें तो तवे पे भी कर सकते हैं। ठीक है जी, रुखसाना जैदी हैं और ये इसको मैं खुशके के साथ फैला के रोटी बनाना शुरू कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। आज से ये पराठा देख के तो मुझे इतना मतलब बिल्कुल डिफरेंट टाइप की है, जब आप बना रहे थे हम यही कह रहे थे ये तो पफ पेस्ट्री बन रही है, पफ पेस्ट्री की तरह जी लेयर वाला पराठा बनेगा, बड़ा जबरदस्त ही है। जी जी जी, और फिर उसकी इतनी टेक्निक है कि भैया हम तो सिर्फ एक एक बनेगा, वो तो आप उसकी मजीद तीन तीन लेयर लगा रहे हैं। हाँ, तीन लेयर से वो क्या होगा कि इसकी जब आप खोलेंगे ना पकाएंगे तो इतना जबरदस्त, जैसे बाकरखानी होती है ना वो तो क्रिस्पी होती है लेकिन ये सॉफ्ट होगा, लाइक बाकरखानी की तरह लगेगा आपको पराठा। हेलो हेलो हेलो, ओके लाइन ड्रॉप हो गई आपकी। ठीक है, मीडियम साइज के पराठे बस इस तरह बनाते जाएं और ये चाय के साथ खाएं आप, इसको आप दही के साथ खाएं, रायते के साथ खाएं। अब ये जो तीन लेयर मैंने बना के रखी सेम इस तरह, ठीक है, ही जेकर ट्रे लेयर टाइम है शॉपर खड़ो, शॉपर ट्रे जे मथा रखो, इन तरीके से शॉपर में विझी हे ट्रे चार जितना भी पराठा तक रखी छगो था एक महीने तक फ्रीज कर जडे तक ठाणो अद कलाक पे कटो नरम थो खुशके की मदद से वेले इनके करे सको था। सहरी में ठाणो है तो रात जो तक ये सब प्रोसेस कर रखी छो, सहरी में तक वेले मान्यूट कर वो। ठीक है, अगर सहरी में बनाने तो पेड़े बना के रख दें, अगर फ्रीज करने शॉपर लें शॉपर में इस तरह सारे ये पेड़े बना के रख दें, एक महीने तक फ्रीज करें और जब आपने बनाना है निकाला 15 मिनट पहले सॉफ्ट होने लगेगा, फिर इसको खुशका लगा के आपने बेलना है और उसके बाद आपने इसको बनाना शुरू करना है। इसको मैंने डाल दिया पैन में, ब्रेक का टाइम हो रहा है जब तक मैं इसको फ्राई करना शुरू करता हूँ, बेलता जा रहा हूँ फ्राई कर रहा हूँ और साथ साथ हम इसको कुकिंग ऑयल या बनस्पति घी से फ्राई करके निकालते जाएंगे। एक शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आके रेसिपी कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक होने का पहले सामूं जेका चिकन पराठा टाइम पे वो टाइम पे शारजा कुकिंग ऑयल से गड विटामिन ए डी ई का भरपूर लो कोलेस्ट्रॉल है ओमेगा थ्री मौजूद है बनस्पति घी तमाम बेहतरीन जैमें पराठा फ्राई थींदा हैं ऑयल से गड भी तां पराठा ठाई सको था। हिते ऐसा बनस्पति घी से गड पराठा ठाऊं पे और मैं हल्का हल्का पराठे पे ऑयल या घी लगाना है, मैं इतना ही लगा रहा हूं, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं कर रहा हूं। ठीक है, इसको ज़्यादा डीप फ्राई नहीं कर रहा हूं और दबाते जाएं अच्छी तरह अंदर तक की इसकी जो लेयर्स हैं वो आपको बहुत ही अच्छा और बहुत ही डिफरेंट सा लगेगा। ये पराठा जिसका मैंने बनाया है फिलिंग वाला पराठा है, इसको आप फ्रीज कर दें, पेड़े बना के रख दें, पराठे बना के फ्रीज कर दें जैसे फ्रोज़न पराठे होते हैं, जब आपने सहरी में बनाने फिर आप बना के इसको चाय के साथ खाएं, दही के साथ खाएं, बहुत अच्छे लगते हैं। कलर आता जा रहा है और इस तरह मैं निकालता जा रहा हूँ और बनाता जा रहा हूँ। इसके बाद हम बनाते हैं आलू भरे मिर्च। ठीक है, ये हो गए हमारे दो पराठे कम्प्लीट, तीसरा डालते हैं, उसके बाद फिर इधर लगाएंगे ऑयल या घी, हल्को हल्को चमचे सा या ब्रश सा तक लगाइंदा वो बधिक ना लगाइणो छाकाणि जे लेयर्स के अंदर भी घी लगल है। ठीक है, इसके लेयर्स के अंदर भी घी लगा हुआ है तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसमें घी नहीं लगा रहा हूँ, हल्का लगा रहा हूँ क्योंकि अंदर से ये ऑयली घी से इसकी लेयर्स बनी हुई हैं। ठीक है, मक्खन लगाना चाहें तो मक्खन भी कर सकते हैं इसके साथ लेकिन बहुत टू मच हो जाएगा इसलिए घी सही है। ये अच्छी तरह हो रहा है, हम फिर चौथा वाला पराठा भी बेल लेते हैं। तीन लेयर्स में मैंने काट के रखे थे, तीन लेयर्स में बनाई हैं ताकि ये लेयर वाइज बने। ठीक है, और बहुत इजी है ये तरीका, कल रिपीट में देख लीजिएगा जिस तरह लेयर्स बनाई हैं इस तरह कल रिपीट में भी आप ठीक से बना सकते हैं। 12 बजे रिपीट चलेगा। ठीक है, अच्छी तरह प्रेस करें, चंगी तरह इनके प्रेस कर दो। ही वाली मानी भी विझूँ था उन सेकेंड रेसिपी चवींदी, चंगी तरह दबाए दबाए इनके प्रेस कजो, अच्छी तरह दबा दबा के आपने इसको बनाना है ताकि इसका कलर अच्छा है पराठे का। थोड़ा और लगाते हैं ऑयल, क्रिस्पी होना चाहिए
ठीक है, कड़क थियण खपे, क्रिस्पी थियण खपे, उनका छा थींदो आहे खाइण में भलो लॻंदो, अंदरां कचो न हुजे। इहो गए तीन और ये चौथा पराठा हमारा चला गया। फिर ऊपर से घी लगा दिया, एक साइड सिकने दें, फिर इसको पलट के दूसरी साइड पे, फिर दूसरी साइड पे घी लगाएं। इन्हें पासन खां सेकंदा वेंदासीं। मां काउंटर क्लियर कयां थो। हिन खां पोइ असां ठाहियूं था आलू भरा, मिर्च। मिर्च कहिड़ा खणंदो? पहाड़ी मिर्च बि जंहिंखे चइबो आहे, जर्मन मिर्च बि चइबो आहे, ठीकु आहे। उहे असां खणंदासीं वॾे साइज़ जा, अठ अदद या ॾह अदद या छह अदद। मूं वटि अठ आहिनि त मां अठ मिर्च खणां थो। अच्छी तरह इसको पकने देते हैं जब तक काउंटर क्लियर करके, फिर हम सेकेंड रेसिपी पे आ जाते हैं। और उसके स्पाइसेस उसमें क्या क्या है वो मैं बताता जा। ये हमारा हो गया कंप्लीट पराठा। ठीक है, ये हमारे कंप्लीट हो गए पराठे। पराठा कंप्लीट थी गया। हाँ, असा अचूँ था सेकेंड रेसिपी पे। मैं हथ वॉश करी छा, हैंड वॉश करके और सेकेंड रेसिपी पे आते हैं। पराठे आपने देखे ज़बरदस्त लेयर के साथ, थोड़ी मेहनत है लेकिन बनेंगे ज़बरदस्त। ठीक है, अगर आप इस तरह बनाएंगी तो आपको एक डिफरेंट स्टाइल मिलेगा। अब सेकेंड रेसिपी के लिए हमें क्या चाहिए? यहाँ पे आलू मैश किया हुआ, ठीक है। एक पाव आलू ले लें या तीन से चार आलू ले लें, उसको आपने मैश कर देना है, ठीक है। मैश मतलब बॉयल करके उसको मसल देना, पीसिस बिल्कुल इसके अंदर गुठली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इन तरीके से हाँ इन अंदर मसाला छा वेंदा, इतने विझंदी अछो जीरो भुनियल कुटियल एक चाय जो चमचो, कुटियल गाढ़ा मिर्च एक चाय जो चमचो, गरम मसालो पाउडर अध चाय जो चमचो, ठीक है। लूण अध चाय जो चमचो, गाढ़ा मिर्च पीठल अध चाय जो चमचो, ऐं चाट मसालो हिकु चांहि जो चमचो, अछो ज़ीरो भुनियल कुटियल हिकु चांहि जो चमचो, कुटियल ॻाढ़ा मिर्च हिकु चांहि जो चमचो, गरम मसालो पाउडर अधु चांहि जो चमचो, लूणु अधु चांहि जो चमचो, पीठल ॻाढ़ा मिर्च अधु चांहि जो चमचो, चाट मसालो हिकु चांहि जो चमचो, सफ़ेद ज़ीरा भुना कुटावा हिकु चांहि का चमच, कुटी हुई लाल मिर्च हिकु चांहि का चमच, गरम मसाला पाउडर आधा चांहि का चमच, नमक आधा चांहि का चमच, लाल मिर्च पाउडर आधा चांहि का चमच, चाट मसाला भर के डालेंगे एक चांहि का चमच। ये सब चीज़ें डाली जी। हरा धनिया डाल देंगे इसमें दो से तीन खाने के चम्मच, और दो अदद लेमन का जूस डालेंगे दो खाने के चम्मच। इसको मिक्स करते हैं, कॉल भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसी हैं? हाँ जी अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी पराठी बना रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह ताला आपकी तमाम जगह खैर और बहुत खुशी दे। और वो आपने कल तरबूज का शरबत बनाया था, बस सिर्फ क्वांटिटी बता दें, चीनी और तरबूज कितना था? तरबूज हाफ कप जितना डाल दें एक गिलास में, या हाफ कप हाफ गिलास कर दें तरबूज भर दें उसमें छोटे क्यूब्स और ऊपर से शरबत बना के डाल दें। अच्छा बस यही था। ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत अच्छा, बहुत वाकई आप बहुत अच्छा बना रहे हैं और बहुत अच्छे रिपीट बता देते। थैंक यू, अपना ख्याल। ठीक है, लेमन जूस मैंने इसमें डाल दिया है तीन खाने के चम्मच, हरा धनिया भी दो से तीन खाने के चम्मच, सावा धाणा टे का चार खाने जा चमचा विझी छो, लीमे जो रस टे का चार खाने जा चमचा विझो, अछो जीरो भुने सही के मथा सेके वो कुटे विझो एक चाय जो चमचो, ठीक है। ये सब मसाला विझी छड़िया, अच्छी तरह सब मसाले मिक्स किए। ये हो गया हमारा मिक्सचर तैयार। अब यहाँ पे हमारे पास बेसन पड़ा हुआ है। बेसन कितना है? ये अंदाजन में हमें दो से ढाई कप है, ठीक है। और इसमें सिर्फ क्वार्टर टी स्पून डला हुआ है मीठा सोडा, ठीक है। चौथों चाय जो चमचो मिठो सोडा उबला है, ठीक है, बेसण में। आई अढ़ाई कप जितरो बेसण है, इनके थोड़ो मिक्स कंदासी। गाढ़ा सा बेसन बना हुआ है। अब इसमें गुठली नहीं होनी चाहिए, इतना आपने बीट करना है कि इसके अंदर गुठली ख़त्म हो जाए। अब इसमें डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, पीठल गाढ़ा मिर्च एक चाय जो चमचो, लूण अध चाय जो चमचो, अछो ज़ीरो एक चाय जो चमचो, सफ़ेद ज़ीरा एक चाय का चम्मच,
चाट मसाला भर के डालेंगे एक चाय का चम्मच, फिर मिक्स करेंगे जी। हाँ, पिसी लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, ज़ीरा एक चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, चाट मसाला भर के डाला एक चाय का चम्मच, ये मिक्सचर हो गया। इस मिक्सचर को फिर हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, इतना गाढ़ा हो कि मिर्च के ऊपर से स्लिप ना हो, उसके ऊपर कोटिंग आ जाए, ठीक है, बहुत पतला ना हो, अगर पतला होगा तो मिर्च पे चढ़ेगा नहीं, कोटिंग नहीं आएगी, इतना पतला होना चाहिए। जब आप इसको ड्रॉप करें तो एक लेयर में गिर रहा हो, ठीक है, अगर इनके जो हीं खड़न दो तो एक लेयर ठहे पाई ऐसो एक तार में गिरे पियो। फिर तैयार थी हो इनके भरंदा से एक गिलास में थोड़ा पानी और डालूंगा, दो टेबल स्पून, और इसको डालेंगे एक गिलास में। हरी मिर्च जो बड़ी वाली होती है वो हम प्याले में डिप करें फिर उसमें डाल के डिप करें तो उस पर कोट नहीं चढ़ता, तो इसके लिए आप क्या करें, हमेशा गिलास में भरें, बड़ा लंबा गिलास ले लें, उसके अंदर ये मिक्सचर भरें और उसमें मिर्चों को पकड़ के डिप करके और निकालते जाएं। यहाँ पे मैं चूल्हा ऑन करके रख देता हूँ, कढ़ाई ऑयल वाली शारजा कुकिंग ऑयल, इसको चूल्हा तेज़ करके गर्म करना शुरू करते हैं। पराठा टेबल पर रखूँ था, ठीक है, उनका पास मिर्च ठाण शुरू क्यों था। ये हमारे हो गए पराठे चिकन के, और ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। अब क्या करेंगे, काउंटर उठा लेते हैं, ठीक है, ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के जाने से पहले मैं बता देता हूँ, ये है जर्मन मिर्च, ठीक है, इसके अंदर मैं मसाला भरूंगा, एक तरफ कट लगाया हुआ है, देखा है छो, हे इन जर्मन मिर्च वडा पहाड़ी मिर्च अठ खया इन मांजे अंदर मसालो आलू जो भरण शुरू किया तो ताकड़ी शॉर्ट ब्रेक ते वनो, ब्रेक का पोची रेसिपी कंटिन्यू करूंगा, ठीक है, जब तक मैं इनको भरता हूँ ब्रेक पे जाए, ब्रेक के बाद आके रेसिपी कंटिन्यू करता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक में उनका पहली ताएं सामू जेकर रेसिपी ठहर पे शारजा कुकिंग ऑयल सगर विटामिन ए डी एंड ई का भरपूर लो कोलेस्ट्रॉल ओमेगा थ्री मौजूद है। मिर्च मुँह भरे छड़िया, ठीक है, मिर्च आलू जे मसाले सगर भरे छड़िया, ऑयल असो गरम थे पियो, इतने मैं हैंड वॉश करी वठा तो असो प्रोसेस स्टार्ट क्यों था, ठीक है। मिर्चों को आलू के मसाले से मैंने भर दिया है, ठीक है, ये देखें इस तरह आपने मिर्चें भर देनी, फुल अच्छी तरह भरनी, मसाला अच्छा सा इसके अंदर भर जाए, ठीक है, ये हो गई सारी मिर्च फिल, आठ किए मैंने, आप ज़्यादा करना चाहें ज़्यादा कर सकते हैं, इसको आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, ये मिर्चें आप वैसे अफ्तारी में भी रख सकते हैं, चावल के साथ भी आप खा सकते हैं, इसको बहुत मज़े की लगेंगे, ठीक है, इनके चावरन से गड भी खाई सको था, इनके तहाँ इफ्तारी में ये भी रखी सको था ठाए, मानी से गड भी ठाई सको था। चटनियाँ मैंने बहुत सारी बनाना सिखाई हैं, चटनियाँ आप देख लें जो भी हैं आपके पास होंगी, जितनी रेसिपीज़ मैंने बताई हैं। अब क्या करेंगे, एक गिलास लेते हैं, मेरे पास ये लंबा गिलास है, ठीक है, इसमें हम मसाला डालेंगे सारा मिक्सचर, ये नहीं है तो आपके पास कोई भी गिलास हो गिलास में डालें। इसमें क्या तरीका है कि इसमें आप मिर्च जो है आराम से डिप करके फ्राई कर सकते हैं, ठीक है, इलाही इजी तरीका है, वड़ा गिलास होता है इन घर में, गिलास में मसालों भरे हो वो जडे ऑयल गर्म थी दो, ऑयल का टेम्परेचर देख लेते हैं, ऑयल गर्म हो जाए तो फिर क्या करेंगे, इसमें मिर्च हम फ्राई करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा बेसन डाल के देखते हैं, अगर बेसन ऊपर आ गया तो इसका मतलब है कि ऑयल गर्म हो गया, ठीक है, बेसन मथे अच्छी हो तो मतलब ऑयल गर्म थी हो। गिलास पकड़ा, ये मिर्च ऐसे हाथ में पकड़ें, ये दिखा जो गिलास झलियो, ठीक है, ये मिर्च इनके अंदर भी जो सजो अंदर हलियो, डिप किया इस तरह, डिप करके छोड़ दें, फिर इसको निकालें, आराम से इस तरह पकड़ के रखें, एक्सेस जो जितना है मिक्सचर ये सारा उतर जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हमने डाल देना है ऑयल में, फिर मिर्च उठाया गिलास में डिप किया, इससे हाथ भी गंदे नहीं होंगे, स्टिक से पकड़ी हुई है मिर्च मैंने, हाथ भी ख़राब कौन थी दो, डंडी का झलियल है मिर्च हे मिक्सचर इनके मथा, थोड़ो ये पकड़े रख जो एक्स्ट्रा जो कौन दो मथा का लही वो, ठीक है, एक्स्ट्रा जो होगा ऊपर से उतर जाएगा, ये मिर्च उठा के इसके अंदर रख दें, फिर इसी तरह करते जाएं, ठीक है, कितना इजी तरीका है, इस तरह ये ट्रिप बहुत अच्छी होती है, हाथ भी ख़राब नहीं होते, वरना हम प्याले में मिर्च उठा के डालें फिर उसको हाथ से मिक्स करें वो हाथ भी आपके गंदे हो रहे थे, बस ये ऊपर पकड़ के रखें, एक्स्ट्रा जितनी होगी कोटिंग वो उतर जाएगी, फिर इसको आपने मिर्च को डालते जाना इसमें, ठीक है,
ठीक है, इन तरीके से सजा मिर्च फ्राई थी वा इलाही आसान तरीको है। जो मिक्सचर बची वे उन पकौड़ा ठाई छोड़ो, ठीक है। जो मिक्सचर बच जाए थोड़ा बहुत उसके आपने पकौड़े बना लेने हैं, ठीक है। ये उठा के इस तरह पकड़ के रखें और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएं, ताकि मिर्च भी आपका ये ना हो कि बेसन पक गया, मिर्च कच्चा सख्त रह गया, कच्चा रह गया। मिर्च को भी पकाना है, मिर्च भी गलना चाहिए, तो इसलिए इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने पकड़ के रख उसमें पकाना है, ठीक है। जेको मिक्सचर बची बने जब पकौड़ा ठाई छो। अब ये खुद ही फ्लोटिंग करते हुए ऊपर की तरफ आ रहे हैं, फ्राई हो रहे हैं। जब गोल्डन कलर आ जाएगा फिर आप इसको निकाल लेंगे। ये आज की रेसिपी हमारी दो ज़बरदस्त सी रेसिपी, चिकन के पराठे बहुत इजी हैं, कोई मुश्किल नहीं है। लेयर सिर्फ उसकी लगाना, उसको फोल्ड करना, थोड़ा उसमें टाइम लगता है, अदरवाइज़ इस तरह मुश्किल नहीं कि आप परेशान हो जाएं, लेकिन बनते बड़े ज़बरदस्त हैं। मेहनत से ही चीज़ अच्छी बनती है। जल्दी जल्दी बनाना पराठे तो वो अलग हम बनाते हैं, लेकिन आप इस तरह बना के देखें, मेहनत से बनेंगे लेकिन बहुत अच्छे। अच्छा, यहाँ पर हमने लिया है तुखबलंगा, ठीक है। हम बनाएंगे करशी जामे शीरी का शरबत। उसके लिए तुखबलंगा मिलता है, ब्लैक कलर का होता है, इसमें हम थोड़ा पानी मिला देंगे। ये एक चाय का चम्मच जितना या एक खाने का चम्मच आपने तुखबलंगा ले लिया, इसमें पानी डाल दिया, पानी डाल के इसको छोड़ देंगे, थोड़ी देर ये फूलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये फूलजी विंदो पानी में, फुलजी विंदो तो असा इनके शरबत में विझंदासी, ठीक है। तुखबलंगा, अच्छा ये जो मिर्च मैं यहाँ पर फ्राई कर रहा हूँ इसको फ़ौरन नहीं पलटेंगे, इसको थोड़ी देर पकने देंगे। दो मिनट के बाद आपने इसको पलटना शुरू करना है, ताकि ये टूटे ना, इसकी कोटिंग ना उतरे, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। कोटिंग उतर गई तो फिर मिर्च वो लुक नहीं आएगा जो हम चाह रहे हैं, ठीक है। अब इसको पलटना शुरू करें, थोड़ी देर के बाद एक से डेढ़ मिनट गुजर जाए उसके बाद आप इनको पलटना शुरू कर दें। हाँ, इनके पलटाइंदा वेंदासी आराम सा, चारों तरफा पचंदा वन। अब ये पकते रहेंगे, ये देखें पानी में फूलना शुरू हो गया तो पलंगा, ठीक है। मुझे वहाँ से स्पून दे दें, खाला स्पून दे दें, चम्मच। मिर्च जब तक हमारे फ्राई हो रहे हैं हम ड्रिंक बनाते हैं करशी जामे शीरी की, साथ साथ इसको भी पलटना शुरू कर रहे हैं, ताकि चारों तरफ से इनका कलर इक्वल आना शुरू हो जाए। अब हम लेंगे करशी जामे शीरी। दूध लिया, ठीक है, एक गिलास दूध, दो गिलास दूध मैं ले रहा हूँ अलग अलग, दोनों कलर बना रहा हूँ मैं दूध में, ठीक है। ब कलर ठाया पे एक है संदल एंड गुलाब के फ्लेवर में, ठीक है, संदल और गुलाब के फ्लेवर में। इसमें हम डालेंगे तीन खाने के चम्मच भर के, एक दो थ्री टेबल स्पून, थ्री टेबल स्पून तुखबलंगा और सॉरी करशी जामे शीरी डाल दिया, ठीक है। इसको आपने मिक्स करना है दूध में, रेड कलर का जो था अच्छी तरह डिसॉल्व करें। अब हम लेंगे ग्रीन वाला, इसको वॉश कर लेते हैं ताकि कलर चेंज हो जाए दोनों का ना। मिर्च के भी दिसूँ था गड़ गड़, बच्चों को भी साथ साथ फ्राई कर रहे हैं, दोनों तरफ से अच्छे सा कलर आने लगे। अब हम लेंगे इलायची फ्लेवर, इलायची फ्लेवर का कशी जामे शीरी इलायची फ्लेवर। हिंजा भी ट्रे खाने से चमचा साई कलर में, एक ट्रे थ्री टेबल स्पून ग्रीन वाला डाला, इसको डिसॉल्व करें। इसका कलर थोड़ा लाइट आएगा क्योंकि ये इलायची फ्लेवर में है, लाइट ग्रीन कलर है, और इसका आएगा रेड के साथ तो इसका थोड़ा डार्क कलर आ रहा है, ठीक है। ये हो गया, अब हम इसमें डालेंगे तुखबलंगा। तुखबलंगा पानी में डिप करके रखा था, ये एक टेबल स्पून इसमें डाल दिया, एक टेबल स्पून इसमें डाल दें। बहुत ही ज़बरदस्त लगता है जब ये शरबत में जाता है, फालूदे में भी होता है, ठीक है। ये देखें इससे कितना ज़बरदस्त सा लुक आ रहा है। ये डाल के फिर आप ठंडा करके इसको पिए, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, ठीक है। तुखबलंगा भेजी छोड़ो साई कलर में भी एंड गाढ़े कलर में भी। अब हमारा हो गया है हरी मिर्चें तैयार, ये प्रोसेस भी हो गया कम्प्लीट, और इसको उतारते हैं मिर्चों को ग्रेटर में, चूल्हा बंद कर देते हैं।
ओके ये देखें हरी मिर्ची हमारी हो गई तैयार। इसके ऊपर डालें, इससे क्या होगा कि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा निकल जाएगा, ठीक है। एक्सेस ऑयल, जो एक्स्ट्रा ऑयल है इसका, वो सारा निकल जाए। फिर आप इसको काट के भी रख सकते हैं, आप इसको साबित भी रख सकते हैं। ये असांजो मिर्च तैयार थी भैया, इसको भी डालते हैं प्लेटर में। करछी जा में शीरी भी तैयार थी भैया, असांजो शरबत, सावा मिर्च भी तैयार थी। प्लेटर के खुश करे था छो, पानी ना हो जडे भी पकोड़ा या कछेड़ी विझंदा आयो तो उनमें साफ धोतल हुंदा है तो उनके पुता खुश करे छंदा कयो, ठीक है। पानी सजो खुश करे पो विझंदा कयो। ये हमारी हो गई हरी मिर्चें तैयार, आलू भरी, गरम है काफ़ी, बाकी तो हम इसके ऊपर काट के रखेंगे। छुरी अलग काटी खड़ी हुई तो मासी, ठीक है। अब क्या करेंगे, मिर्चों को काट के इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है। ये देखें मैंने कटिंग भी करके रखी है ताकि आप लोग देख सकें कि इसका लुक क्या आ रहा है, ठीक है। कटिंग भी करता छूँ, गरम आए आराम से इनके कट कंदो। देखें अंदर मिर्च में आलू भरे हुए, इस तरह का मसाला इसके अंदर आ रहा है ज़बरदस्त था, ठीक है। ये हो गई हमारी आलू भरी मिर्च तैयार, ठीक है। ये आलू भरा मिर्च तैयार थी भैया, हम सा गड़ असो करछी जामी शीरी कंप्लीट थी। बई रेसिपीज तुझे सामू में ठाई छी हैं, हाँ हलूँ था टेबल ते। कल रिपीट चलेगा तो रिपीट में देख लीजिएगा जो चीज़ आपको समझ ना आ रही हो, ठीक है। कल रिपीट में देख लीजिएगा, बहुत इजी है रेसिपीज, कोई मुश्किल नहीं है, आराम से आप बना सकते हैं। मजमा हम गिलास कुछ ज़्यादा ही भरे चले हैं। जी हो गया हमारा करछी जामी शीरी और इसके साथ हमारी हो गई हैं भरी हुई मिर्चें, ठीक है। ये भरी हुई मिर्चें, ये दोनों रेसिपीज़ कल 12 बजे रिपीट चलेंगी। कुकिंग विद शेफ फैसल मेरा पेज है, वहाँ रेसिपी अपलोड हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए सर्च करें सिंध टीवी HD कुकिंग शो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल 12 बजे रिपीट चलेगा। आपको यूट्यूब पे जो भी रेसिपीज़ मेरी चाहिए आप यूट्यूब पे सर्च करें सिंध टीवी HD कुकिंग शो, सिंध टीवी HD कुकिंग शो यूट्यूब पे सर्च करेंगे पेज खुल जाएगा। जो रेसिपी चाहिए वो आप खुद क्लिक करते जाएं निकलती जाएंगी, ठीक है। तमाम वीडियोस जो रात शाम को यहाँ प्रोग्राम करता हूँ तो 3 से 4 वो रात तक अपलोड हो जाती हैं। इंशाल्लाह कल भी एक मज़ेदार रेसिपी बनाएंगे, चिकन की होगी, अफ्तारी के हिसाब से होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, कल आपसे मुलाकात होगी। सुबह 12 बजे रिपीट हलंदो कुकिंग विद शेफ फैसल मुझे पेज है, उते रेसिपी अपलोड थी। वीडियो ॾिसण लाइ सर्च कयो सिंध टीवी HD कुकिंग शो यूट्यूब पे सब्सक्राइब कंदो। पंहिंजो खोड़ सारो ख्याल रखिजो, सुभाणे तव्हां सां मुलाक़ात थींदी नई रेसिपी सां गॾु, जेका हूंदी चिकन में ई हिकु मज़ेदार रेसिपी। इनशाला सुभाणे मुलाक़ात थींदी, दुआउनि में यादि रखिजो। अला हाफ़िज़। Subscribe to our channel Sindh TV HD Cooking Show and press the bell icon for the latest updates.